जय द्वारकाधीश। मंच पर विराजमान गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, राज्य के उपमुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री मनसुख भाई मांडविया, राज्य सरकार के मंत्री श्री चिमन भाई सापरिया, जयेश रादड़िया, जसाभाई बराड, यहां की सांसद पूनम बहन, जूनागढ़ के सांसद राजेश भाई, राज्यसभा में हमारे साथी चुनी भाई गोहिल और हमारे यहां के विधायक शिव शिव शिव। प्रभुभा और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, કેમ કેવું લાગે છે? આજ મેને દ્વારકા કા મૂડી કુછ ઓર દેખા। ચારો તરફ ઉત્સાહ ઉમંગ, જૈસે એક નઈ ચેતના द्वारका में मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं द्वारका वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आज द्वारका नगरी में जिस काम का आरंभ हो रहा है, वो सिर्फ बेट द्वारका में पहुंचने के लिए एक सिर्फ ब्रिज नहीं है, सिर्फ एक ईंट पत्थर लोहे से बनने वाली एक स्ट्रक्चरल व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। ये ब्रिज बेट द्वारिका की सांस्कृतिक विरासत के साथ उस हजारों साल पुराने नाते को जोड़ने की कड़ी के रूप में आज उसका कार्य हो रहा है। जब भी मैं बेट आया करता था और वहां के बीच को देखता था, निर्मल जल देखता था, टूरिज्म की अपार संभावनाएं देखता था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से आप तो जानते हैं भूतकाल में भारत सरकार का गुजरात के प्रति प्यार कैसा था, कितनी कठिनाइयों से हम समय बिताते थे, मुझे बराबर याद है। जब बेट के लोगों की मैं स्थिति देखता था, सूरज ढलने से पहले ही सारे काम पूरे करने पड़ते थे, रात को आवागमन बंद हो जाता था और वो भी पानी के मार्ग से ही आना जाना पड़ता था, मजबूरन जिंदगी गुजारनी पड़ती थी।
अगर कोई अचानक बीमार हो जाए और उसे अस्पताल पहुंचाना है और अगर वो रात का समय हो तो कितनी दिक्कत होती थी, वो मेरे बेट के प्यारे भाई बहने भली भांति जानते हैं। और इसलिए एक ऐसी व्यवस्था जो देश भर से आने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हो, एक ऐसी व्यवस्था जो बेट के नागरिकों के लिए जो सामान्य उनकी जरूरतें हैं उसको पूरे करने वाली हो, एक ऐसी व्यवस्था जो बेट से जुड़े हुए समुद्री तट के बीच को एक बहुत बड़े टूरिज्म के क्षेत्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं को बल दे। और अगर एक बार यात्री आए तो ठाकुर जी के चरणों में सर झुका करके भाग जाए तो उससे द्वारका की इकोनॉमी को ज्यादा लाभ नहीं होता, लेकिन अगर वो रात को रुकता है, दो दिन रुकता है तो 1000-2000 रुपया खर्च करता है तो द्वारका के आर्थिक व्यवस्था में गरीब से गरीब को रोजगार मिलता है। लोग द्वारिका आते हैं वो भगवान द्वारकाधीश की कृपा से, लेकिन लोग द्वारिका में रुकेंगे वो अगर हम व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे तो रुकेंगे। और इसलिए हमने विकास को वो प्राथमिकता दी है जहां यात्री आए उनको रुकने का मन कर जाए, एक दो दिन बिताने का मत कर जाए, समुद्र की लहरों के सामने शाम बिताने का मन कर जाए, ढलते हुए सूरज को देख करके मन प्रफुल्लित हो जाए, ये वातावरण पैदा करने के लिए निरंतर एक सरकार प्रयास कर रही है। आज से 8-10 साल पहले के द्वारका की कल्पना कीजिए और आज के द्वारका की कल्पना कीजिए, कितना बदलाव आया। और टूरिज्म एक कोने में विकास होने से नहीं होता है, उसको कनेक्टिविटी चाहिए, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जुड़ा हुआ होना चाहिए। सारी दुनिया गिर लाइन देखने के लिए आज आती है, लेकिन अगर गिर लाइन देखने के बाद पोरबंदर और द्वारिका जाने के लिए अगर 6 लाइन 4 लाइन 2 लाइन के बड़े रोड मिल जाते हैं तो यात्री को सुविधा रहती है, टूरिस्ट का मन ललचाता है और जो गिर लाइन देखने आएगा वो द्वारकाधीश के चरणों में भी आएगा, ये स्थिति पैदा होनी है। और जो द्वारकाधीश के चरणों में आएगा उसको भी गिर के शेर देखने का मन कर जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए भारत सरकार ने नेशनल हाईवे का नेटवर्क उस प्रकार से बनाने की दिशा में मॉडिफिकेशन किया है कि रोड तो बने, सुविधा तो बने, गति तो आए, लेकिन साथ साथ आर्थिक गतिविधि के साथ उसका सीधा नाता होना चाहिए, उस व्यवस्था से आर्थिक गतिविधि को ताकत मिलनी चाहिए। आज जो नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का काम है गड़ू तक, और जब भी मैं गड़ू को याद करता हूं तो मेरे बच्चों भाई याद आ जाते हैं, बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता किसान, लेकिन उनको इन सारी बातों का विचार उनके मन में रहा करता था कि ऐसा किया जाए तो अच्छा होगा, ऐसा किया जाए तो अच्छा होगा, वो लगातार सोचते रहते थे। आज उस गड़ू तक इस रोड को की चौड़ाई की दिशा में नेशनल हाईवे के लिए एक भारी मात्रा में हम खर्च करने जा रहे हैं। आज इस एक कार्यक्रम में और एक जिला मुख्यतः, और वैसे
जामनगर जूनागढ़ जिले को जोड़ता हुआ, पोरबंदर जिले को जोड़ता हुआ करीब करीब 6000 करोड़ रुपयों की लागत का प्रोजेक्ट आप कल्पना कर सकते हैं। वो दिन याद कीजिए जब माधव सिंह भाई सोलंकी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अखबार में पहले पन्ने पर एक तस्वीर छपी थी, वो तस्वीर मुझे आज भी याद है। तब तो मैं राजनीति में नहीं था, मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता था। जामनगर में, जामनगर या जामनगर जिले में एक पानी की टंकी का उद्घाटन करने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री माधव सिंह भाई आए थे। अब ये उस समय की सरकारों की कल्पना और आज ये सरकार की कल्पना देखिए कि कैसा ब्रिज बनाते हैं, कैसे रोड बनाते हैं। एक पानी की टंकी के उद्घाटन करके पूरे पेज की एडवर्टाइजमेंट द्वारा पहले पेज पर तस्वीर छपना उनके लिए विकास की सोचने की सीमा भी इतनी मर्यादित थी। दुनिया बदल चुकी है और इस बदली हुई दुनिया में विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, हर भारतीय दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा हो सके ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना हर हिंदुस्तानी का है। ये सपना सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवा सौ करोड़ देशवासियों का सपना है। मैं तो सिर्फ आपने सपनों को रंग भरने के लिए, उसको चरितार्थ करने के लिए प्रयास कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। अभी नितिन जी बता रहे थे ब्लू इकोनॉमी के संबंध में, एक ऐसा क्षेत्र है कि जो सामुद्रिक संपदा को गुजरात की और देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी ताकत देने का सामर्थ्य है। 1600 किलोमीटर का समुद्री तट गुजरात के पास है। हमारे मछुआरे भाई बहन समुद्री तट पर रहते हैं। ब्लू इकोनॉमी की पूरी संभावना हमारे समुद्री तट पर है। हम बंदरों का विकास करना चाहते हैं लेकिन हम बंदर आधारित विकास भी करना चाहते हैं, पोर्टलेट डेवलपमेंट। हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं कि जो बंदरों को रोड से जोड़े, रेल से जोड़े, हवाई पट्टी से जोड़े, वेयर हाउसिंग हो, कोल्ड स्टोरेज हो, दुनिया के बाजार में भारत के किसानों द्वारा उत्पादित चीजें विश्व के बाजार में कम से कम समय में पहुंचे, देश के किसान को ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले, इसके लिए इन व्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। हमने एक योजना बनाई है और वो भी मेरे मछुआरे भाइयों बहनों के लिए, और वो ब्लू इकोनॉमी के तहत बनाई है। और वो योजना है, आज हमारा मछुआरा माछीमार जिसके पास छोटी छोटी बोट है वो लेकर के समुद्र में फिशिंग के लिए जाता है, 10-12 नॉटिकल माइल से आगे जा नहीं पाता है और इतने इलाके में जितनी चाहिए उतनी मात्रा में उसको मछली मिलती नहीं है। वो घंटों तक मेहनत करता है फिर बाद में आधा अधूरा भर करके वापस आ जाता है। क्या मैं मेरे माछीमार भाइयों को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करूं? क्या मैं उनको उनके नसीब पे छोड़ दूं? क्या मेरे माछीमार भाइयों बहनों को जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगी? क्या क्या मेरे माछीमार भाइयों बहनों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने का मन नहीं करेगा? क्या
क्या मेरे माछीमार भाइयों बहनों को जो झुग्गी झोपड़ी वाली जिंदगी से बाहर निकल करके अच्छी जिंदगी जीने का मन करेगा कि नहीं करेगा? अगर वो करना है तो उसकी आर्थिक ताकत बढ़ानी पड़ेगी, उसको एम्पावर करना पड़ेगा, उसका सशक्तिकरण करना पड़ेगा। और इसलिए हम एक ऐसी योजना लाए कि कुछ मछुआरे भाई बहन हमारे इकट्ठे हो जाए, माछीमार भाई बहन हमारे इकट्ठे हो जाए, सरकार उनको लोन देगी, कम ब्याज से लोन देगी और 1.5 करोड़ 2 करोड़ की बड़ी बोट वो ला सके, उसका प्रबंध करवाएगी। और अगर वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की बड़ी बोट रखेगा तो 10-12 नोटिकल माइल से भी अंदर समंदर में जाकर के वहां तो समंदर के भीतर भी मछलियों का सागर होता है, डीप सी में वो अगर वहां चला जाएगा, जो काम उसको 3 दिन में करना होता है वो आधे एक दिन के अंदर पूरा कर करके 3 गुना 4 गुना कमाई करने वाली व्यवस्था लेकर के अपने किनारे पर वापस आ सकता है और उसमें कोल्ड स्टोरेज समेत सभी व्यवस्था रहे। इस प्रकार का प्रबंध हम हमारे माछीमारों को व्यवस्था देना चाहते हैं, हर माछीमार भाई इसका फायदा उठा सके, इसके लिए हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। जो माछीमार की जिंदगी बदलेगा, कंडला पोर्ट कहो, जिस प्रकार से उसका ग्रोथ हुआ है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी कंडला पोर्ट और हालत क्या थी वो मुझे पूरा पता है। हम भारत सरकार को कहते थे इसको प्राथमिकता दीजिए, एक अवसर है, लेकिन उनके लिस्ट में कांडला बंदर नहीं था। जब से भारत सरकार में हमें काम करने का अवसर मिला है, हमने गुजरात के बंदरों के विकास पर भी उतना ही ध्यान दिया है और जिसके कारण आज कांडला का ग्रोथ पिछले 25 साल में नहीं हुआ इतना ग्रोथ तेजी से आज कांडला का हो रहा है। और उसके कारण लोगों को रोजी रोटी मिलती है। हमारा अलंग, कितने सालों से अलंग की शिकायत रहती थी, अलंग के विकास की चर्चा रहती थी, अलंग के हाइजीन की चर्चा रहती थी। भावनगर का अलंग एक प्रकार से दुनिया में हमारी पहचान भी था, लेकिन साथ साथ एनवायरमेंट के नाम पर सैकड़ों सवाल या निशान भी थे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नई नई सवाल उठाती रहती थी। ये भारत सरकार का दायित्व था कि उसमें कुछ चिंता करें, मदद करें, अलंग में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी में कुछ बदलाव आए उसके लिए कुछ करें। लगातार कोशिश करने के बाद भी उस समय की भारत सरकार की नींद में नहीं उड़ा पाया था, लेकिन आज जब हमें सेवा करने का मौका मिला है तो हमने अभी जापान के साथ, लोगों को जापान सिर्फ बुलेट ट्रेन के लिए याद रहता है, वो लोग भूल जाते हैं कि जापान के साथ हम अलंग के विकास के लिए भी बड़ी योजना बना करके आगे बढ़ रहे हैं और उसके कारण अलंग के मेरे मजदूर भाइयों बहनों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये जो बदलाव की दिशा हमने पकड़ी, विकास को जो नए नए क्षेत्रों में सामान्य मानवी के जीवन को बदलाव के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उससे ये परिणाम आने वाला है। मांगरोर और वेलावल हमारे परंपरागत फिशिंग हब रहे। अभी भारत के हमारे राष्ट्रपति जी आए थे, मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मांगरोर के अंदर इस काम को गति देने का एक बहुत बड़ा शिलान्यास किया, बहुत बड़ी योजना को आकार दिया है। ये फिशिंग हार्बर आने वाले दिनों में इस पूरे बेल्ट के हमारे मत्स्य उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी नई ताकत के रूप में उभरने वाला है। इस पूरा हमारा समुद्री तट ब्लू इकोनॉमी के द्वारा, टूरिज्म की इकोनॉमी के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा,
आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। मैं गुजरात वासियों से एक भेंट सौगात देने की आज घोषणा करना चाहता हूं। ये सिर्फ गुजरात को नहीं, हिंदुस्तान को काम आने वाली बात है, लेकिन हमारे समुद्री तट पे होगा और देवभूमि द्वारिका में होगा। हमारे समुद्री तट की सुरक्षा के लिए मरीन पुलिस एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसको भारत बहुत ही आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सामान्य पुलिस से वहां की ट्रेनिंग अलग होगी, क्योंकि समुद्र में, समुद्री तट पर 5 किलोमीटर के पूरी सुरक्षा की व्यवस्था से वो जुड़े होंगे। तो ऐसे देश भर के मरीन पुलिस ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, देश की सबसे बड़ी और सबसे पहली इंस्टीट्यूट ये देवभूमि द्वारिका में मोजब के पास बनाई जाएगी। देश भर से, जैसे जामनगर के अंदर हवाई अड्डे पर हमारी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एयरफोर्स के लिए, देश भर से लोग उसका लाभ लेते हैं, उसी प्रकार से ये देवभूमि द्वारिका में ये मरीन पुलिस इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान भर के पुलिस के लोगों की ट्रेनिंग का, और ये भी अपने आप में एक ऐसी इंस्टीट्यूट जहां हजारों लोग रहते होंगे, आना जाना चलता होगा, कितनी बड़ी आर्थिक व्यवस्था भी इसके साथ जुड़ी होगी, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आप सब दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं और गुजरात में दिवाली का पर्व बड़ा विशेष होता है, व्यापारियों के लिए और विशेष होता है। और मैंने आज देश भर के अखबार देखे, उसमें हेडलाइन है कि दिवाली 15 दिन पहले आ गई, चारों तरफ एक दिवाली का माहौल बन गया। जब कल हमने जीएसटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय किए और हमने पहले दिन कहा था कि एक बार लागू करने के बाद 3 महीने उसका अध्ययन करेंगे और 3 महीने में जहां जहां दिक्कतें आती हैं, व्यवस्था की कमियां होगी, टेक्नोलॉजी की कमियां होगी, नियमों की कठिनाइयां होगी, रेट्स के संबंध में शिकायतें होगी, व्यापारी आलम के प्रैक्टिकल अनुभवों में दिक्कत आती होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि देश का व्यापारी आलम रेट टिपिज्म में फंस जाए, फाइलों में फंस जाए, बाबुओं साहब लोगिरी ये दौर हो जाए, ये हम कभी हिंदुस्तान में नहीं चाहेंगे। और इसलिए 3 महीने में जो भी जानकारी आई उसके आधार पर कल हमारे वित्त मंत्री जी ने जीएसटी काउंसिल में सबको मनवा करके बहुत बड़े अहम फैसले लिए। और मुझे खुशी है कि एक एक स्वर में हिंदुस्तान के हर कोने में इसका स्वागत हुआ है, और यही तो देश की ताकत है। जब एक सरकार पर विश्वास होता है, निर्णय के पीछे ईमानदारी नजर आती है, तो देश कठिनाइयों के बावजूद भी जी जान से साथ जुड़ जाता है, वो मैं अनुभव कर रहा हूं। और इसलिए मैं देशवासियों का आभारी हूं कि जीएसटी में जो हमने और अधिक सिंपल टैक्स को
और भी सिंपलर करने का प्रयास किया है, उसका जो स्वागत हुआ है उसके लिए मैं उनका आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। द्वारका ना भाइयों बहनों, भूगर्भा श्री कृष्णनी द्वारिका देशवासी ने दुनियाभरना लोगों की इच्छा से कि समुद्र अंदर जाइने ओरिजिनल जे द्वारका नगरी से एने जरा हाथ अड़की आवे। मैं केटलाक एक्सपर्ट लोगों ने काम सौंप्यू छे कि आ केवी रीते कराय, लोको पानी में नीचे जाइने भगवान श्री कृष्ण ज्यां जीव्या रहा ये जरा एकाद पत्थर ने भी हाथ अड़ावीने पाछा आवे, आखो हिंदुस्तान अहींया द्वारका में लाइन लगाईने ऊभू रही जाए। विकास एमने एम ना था भाई, दृष्टि जोइए, दीर्घ दृष्टि जोइए, संकल्प जोइए, अने संकल्प ने चरितार्थ करवा माटे जी जान नी बाजी लगावी पड़े त्यारे काम था। अने आजे देशना कोई पण खूणामां सामान्यमां सामान्य मानवीनी पण अपेक्षा छे कि विकास थाय, एनी अपेक्षा छे कि विकासना फळ एने मळे, एनी अपेक्षा कि एनी भावी पेढ़ीने गरीबीमां जिंदगी जीवी न पड़े। आपणी कोशिश आ छे कि भले कदाच आजनी पेढ़ीने गरीबीमां जीवू पड्यू होय परंतु एमना संतानों ने गरीबी में जीववा माटे मजबूर न थवू पड़े एवी विकास की यात्रा ने नवी ऊंचाई पर लई जवी छे। आज समग्र विश्वनु ध्यान भारत तरफ गयु छे, दुनियाना लोको अहींया मूडी रोकाण करवा माटे उत्साहित थया छे, आगळ आव्या छे, अने आ बधी ज बाबतो देशना नौजवानों माटे रोजगार की तको उभी करी रही है। देशना किसान ना जीवन में बदलाव लावानी संभावनाओं पैदा करी रही है। गुजरात नु गामडू सक्षम बने, समर्थ बने एना माटे नी पहल करी रहा है। अने एमां गुजरात आजे महत्वनी भूमिका अदा करी रही है। देशना विकास में गुजरात महत्वनी जवाबदारी निभावी रही है, अने एना माटे गुजरात का कोटि कोटि जनों ने हूँ वंदन करूँ छू, अभिनंदन आपूँ छू, एमनो आभार व्यक्त करूँ छू, अने गुजरात सरकार ने पण आ विकास यात्रा ने तेज गति थी आगळ वधारवा बदल हृदयपूर्वक खूब खूब अभिनंदन आपूँ छू। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। खूब खूब आभार।